हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम 11th क्लास की फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। और 11th क्लास की फिजिक्स में हमारे यूनिट का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमारे पास मात्रकों की प्रणालियों का टॉपिक कम्प्लीट हो चुका है, जिसमें हमारे पास तीन मात्रकों की पद्धतियाँ MKS, CGS और FPS वो कम्प्लीट हो चुके हैं। और तीनों सिस्टम के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं विस्तार से और बिल्कुल बारीकी से। अब हमारे पास जो MKS, CGS और FPS सिस्टम है, ये सिस्टम फिजिक्स की जो ब्रांच मैकेनिक्स है, यानी यांत्रिक भौतिकी, उसी को समझाने में सफल होती हैं, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स में अन्य भी ऐसी राशियां हैं जिनका यूनिट हम इनके द्वारा नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए हमारे पास फिजिक्स की अन्य जो क्वांटिटी हैं, वो हमारे पास जैसे टेम्परेचर है, पदार्थ की मात्रा है, करंट है, उनकी व्याख्या जो है वो हम इन यूनिट्स के द्वारा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फिर आगे चलकर MKS जो सिस्टम था, उस MKS सिस्टम को जो समितियाँ बनाई हुई हैं इन मात्रों को ये निर्धारण की, तो वहाँ पर फिर 1960 में उस कमेटी के द्वारा MKS पद्धति को ही विस्तारित रूप दिया गया तथा उसको परिवर्धित किया गया, यानी इसको मॉडिफाई किया गया। और फिर वहाँ पर एक नई सिस्टम का निर्माण किया गया, जिसे कि SI सिस्टम बोला गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि हर जगह लागू होगी और सभी कैलकुलेशन जो होंगी वो इसी के द्वारा होंगी। SI जो सिस्टम था, वो आपके बहुत बड़े मान और बिल्कुल छोटे मानों को सरल रूप में व्यक्त करने के लिए भी उपयोगी था। फिर 1971 में अंतर्राष्ट्रीय माप तोल समिति, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, उसके द्वारा कौन कौन से मात्रक यूज होंगे, उनके क्या क्या सिंबल होंगे, उन सब का निर्धारण किया गया 1971 में माप तोल समिति के द्वारा। तो वहाँ पर फिर हमारे पास जो प्रणाली कंप्लीट होती है, उस प्रणाली में अब हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो स्टार्ट में तीन थी, वो अब बढ़कर कितनी हो जाती हैं, सेवन। यानी अब हमारे पास फिजिक्स में मूल भौतिक राशियों की जो संख्या होती है वो थ्री नहीं, अब कितनी है, सेवन है। और वहाँ पर दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और यूज होती हैं, जिन्हें कि हम पूरक राशियाँ बोलते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट हमारे पास SI पद्धति में जो क्वांटिटी होंगी वो हमारे पास में कितनी होंगी, नौ, जिसमें सेवन हमारे पास में होंगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और टू होंगी हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन कौन सी हैं ये सेवन फिजिकल क्वांटिटी, और क्या है उनकी यूनिट, और क्या है उनके सिंबल, इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और फिर इन सेवन मूल भौतिक राशियों से ही बनाएंगे नई ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, जो कि बाकी की शेष फिजिकल क्वांटिटी का वर्णन करेंगे। किस प्रकार से यूनिट को दर्शाया जाता है, क्या होता है उनके लिखने का तरीका, इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे हम आज की क्लास में। तो बने रहिए आज की क्लास में। यदि कोई समस्या आती है तो आप वहाँ पर कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी हमारे पास कैसे निर्माण हुआ, कैसे क्या हुआ, इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। हमारे पास पहला क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, तो एक नंबर का आंसर हो जाता है सेवन। कितनी पूरक राशियाँ हैं, और हमारे पास आंसर हो जाता है टू। तो ये हो गया हमारे पास मूल भौतिक राशियों की संख्या सात और पूरक भौतिक राशियों की संख्या दो। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सी हैं सात मूल भौतिक राशियाँ और उनके संकेत और बनाने का तरीका। देखते हैं सात मूल भौतिक राशियाँ और दो सप्लीमेंट्री राशियाँ। तो आपके सामने है कंप्लीट सात मूल भौतिक राशियाँ जो हमारे पास में है, कि भौतिक राशि, मात्रक और उनके संकेत। तो हमारे पास पहली फिजिकल क्वांटिटी है लंबाई, सेकेंड है द्रव्यमान, जिसे कि हम संगति भी कहते हैं, मास। यह हमारे पास थर्ड है समय, विद्युत धारा, टेम्परेचर यानी तापमान, ज्योति तीव्रता या जिसे प्रदीपन तीव्रता भी कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा। ये हमारे पास सात मूल भौतिक राशियां हैं, जहां तीन तो हमारे पास MKS की ही राशियां हैं। अब चूँकि SI जो है वो MKS का ही बड़ा रूप है, और उसे ही बड़ा रूप और विस्तारित रूप दिया गया है, और बनाई गई कौन सी, SI, इसलिए तीन तो हमारे पास उसी से ही प्राप्त होती हैं, चार हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। तो अब हमारे पास लंबाई का जो मात्रक होगा SI पद्धति में, वो भी मीटर ही होगा। द्रव्यमान का होगा क्यूब,
किलोग्राम, समय का होगा सेकंड और विद्युत धारा को मापा जाएगा किसमें, एम्पियर में। नेक्स्ट तापमान का होगा केल्विन और ज्योति तीव्रता उसका मात्रक होगा कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का होगा मोल। तो हमारे पास दोबारा से देख लीजिए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। इनके जो सिंबल हैं वो हमारे पास संकेत हैं, मीटर को स्मॉल एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को दर्शाते हैं के से और कैंडेला को सीडी से तथा मोल को दर्शाते हैं एमओएल से। तो ये हो गए इनके संकेत, मीटर, केजी, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा, दोबारा से आप देख लीजिए। सोचिए कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, स्मॉल एम, केजी, एस, कैपिटल ए, कैपिटल के, सीडी और मोल। ये हो गए हमारे पास सात मूल भौतिक राशियां प्यारे विद्यार्थियों, और इन्हीं राशियों से अब कंप्लीट करेंगे पूरी फिजिक्स को हम। नेक्स्ट हमारे पास में है दो पूरक राशियां, उनको भी देख लेते हैं, बाकी के इनके अर्थ देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट हमारे पास जो पूरक राशियां और पूरक मात्रा होंगे वो हमारे पास एंगल से रिलेटेड हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है समतलीय कोण यानी प्लेन एंगल और जिसे दर्शाते हैं थीटा से, और सेकंड हमारे पास में घन कोण या ठोस कोण। हमारे पास हो गया क्यूब एंगल और सॉलिड एंगल जिसको दर्शाते हैं ओमेगा से, या डी ओमेगा भी इसको बोलते हैं। हमारे पास प्लेन एंगल का जो यूनिट होगा वो होगा रेडियन और इसका संकेत होगा आर ए डी, तथा घन कोण का जो मात्रक होगा वो होगा स्टे रेडियन और वो होगा एस आर से, रेडियन आर ए डी और स्टे रेडियन एस आर। तो अब हमारे पास ये आपके सात मूल भौतिक राशियां और दो पूरक राशियां कंप्लीट हो जाती हैं। आप इसको यहां से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके आगे के भाग में। अब आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना कि जब भी आप मात्रक बनाते हैं एसआई प्रणाली में, कि जो व्युत्पन्न मात्रक बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर चाल का फॉर्मूला लिखा है और चाल का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी अपॉन समय। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये देखना है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई है वो किससे बिलोंग करती है। तो हमारे पास जो दूरी है वो दूरी एक नापने वाली राशि होती है, तो इसका मतलब दूरी जो है वो लेंथ से रिलेटेड हो गई, और लेंथ का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एम, जबकि समय का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एस। तो इस प्रकार से चाल का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड बोल दीजिए, या इसे मीटर प्रति सेकंड बोल दीजिए। आप यहां पर एस को ऊपर भी ले जा सकते हैं, जिससे आपके पास एस की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस वन, क्योंकि एस के ऊपर पावर वन है और वन आपके ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और एम के ऊपर पॉजिटिव वन है तो पॉजिटिव वन को आप लिखिए, अथवा नहीं तो आपके पास यहां से बोलने का तरीका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर नेगेटिव साइन ये दर्शा रहा है कि ये जो राशि है वो आपके अपॉन में है। यहाँ पर हमारे पास ये जो ओब्लिक का चिन्ह है, इसे आप सॉलिड्स का चिन्ह या स्लेश का चिन्ह भी बोल सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए किसी यूनिट में हमारे पास में आ जाता है, सपोज कीजिए मीटर पर सेकेंड पर के जी, माना किसी भौतिक राशि की यूनिट ये मिलती है हमें, तो मीटर पर सेकेंड पर केजी, ये इसको बोलने का तरीका होगा, और इसको लिखने का जो तरीका होगा वो होगा मीटर अपॉन सेकंड और केजी। यहाँ पर ध्यान देना कि जो नेगेटिव साइन है वो ये दर्शाता है कि वहाँ पर उनके बीच में सॉलिड्स का चिन्ह या स्लेश का चिन्ह लग रहा है, लेकिन यहाँ पर दो नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ पर इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा मीटर पर सेकेंड पर केजी, यानी दो स्लेश के निशान नहीं आएंगे। ध्यान रखना, आपके स्लेश या सॉलिड्स का जो चिन्ह होगा वो सिर्फ एक ही होगा, चाहे कितने भी माइनस के यूनिट आपके आ रही हों, ठीक है ना। तो जितने भी माइनस के हैं उनको आप एक अपॉन का चिन्ह लगाइए और उन सबको अपॉन में लिख दीजिए, चाहे कितने भी यूनिट हों। जैसे मान लीजिए कि दोबारा से देखते हैं, हमारे पास में है के जी प्रति मीटर प्रति सेकेंड और प्रति एम्पियर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया केल्विन। ये सिर्फ मैंने समझने के लिए लिखा है, आप कैसे बनाएंगे मात्रक देखिए। जो आपके पॉजिटिव
पावर हैं वो आएंगी ऊपर तथा जो नेगेटिव पावर हैं वो टोटल जाएंगे आपके नीचे, लेकिन जितने भी नेगेटिव हैं उन सब के लिए एक ही सॉलिड्स का चिन्ह लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको केजी। केल्विन आपके पॉजिटिव है इसलिए आपके ये रहेगा ऊपर। मीटर, सेकंड, एम्पियर, ये तीनों आपके जाएंगे अपॉन में, लेकिन एक ही चिन्ह से बार बार नहीं लगाना है, तो ये हो जाएगा मीटर, सेकंड और एम्पियर। ये हो गया इनको फाइनल लिखने का तरीका। और इस फॉर्मूले को वापस यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो अब हमारे पास इसको वापस लिखेंगे तो के जी, केल्विन, पर मीटर, पर सेकंड, पर एम्पियर। ये हो गया इनको लिखने का तरीका, यानी इसका एक ही सारांश था कि जो स्लेस का जो चिन्ह होगा या सॉलिड्स का जो चिन्ह होगा, जिसे कि हम ऑब्लिक भी बोलते हैं या अपॉन जिसको बोलते हैं, वो एक ही बार यूज होगा, बार बार यूज नहीं होगा। ये हो गया इसका पहला नियम। सेकंड, अब हमारे पास सेकंड अब हमारे पास में है कि यदि कोई यूनिट किसी वैज्ञानिक के नाम पर है, किसी वैज्ञानिक के नाम पर है, तो अब यदि उस वैज्ञानिक के नाम का सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट यूज कर रहे हो तब उसको आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और यदि पूरा नाम लिख रहे हो तो वहाँ पर आपको स्मॉल नेम से स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बल का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, आगे हम हल करेंगे। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन का यदि हम लिखते हैं, न्यूटन फुल यदि हम लिखते हैं तो वो लिखा जाएगा न्यूटन स्मॉल एन से, और यदि सिर्फ एक सिंबल यूज करते हैं तो वो लिखा जाएगा कैपिटल एन से, ठीक है ना। तो सिंगल वर्ड यूज कर रहे हो वहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज करना है, और यदि संपूर्ण को लिख रहे हो तो वहाँ पर आपको स्मॉल लेटर का यूज करना है। जैसे अभी बात की हमने एम्पियर की, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। यदि एम्पियर फुल लिखते हैं तो अब हमारे पास एम्पियर से स्टार्ट करेंगे, यानी स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और यदि आप वन वर्ड यूज कर रहे हो तो वहाँ पर कैपिटल ए का यूज करेंगे, जो कि अभी हमने देखा भी है कि विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर था उसकी जगह हमने क्या लिखा है, ए लिखा है। लेकिन ध्यान रखना कई देशों में अभी भी इसको ए एम पी भी लिखा जाता है, कई इसका बहुवचन यूज करते हैं, ए एम पी एस भी यूज करते हैं, लेकिन सही जो पद्धति के अनुसार है वो कैपिटल ए ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं केल्विन का, तो केल्विन के लिए भी अभी हमने कैपिटल के यूज किया है, और यदि आप फुल नेम यूज करते हैं तो अब हमारे पास केल्विन में स्मॉल के से यूज करना है, यदि वन वर्ड यूज करते हैं तो कैपिटल लेटर्स में यूज करना है। ये हो गया हमारे पास इसका सेकंड, जिसका आपको ध्यान रखना है। हमारे पास जो मात्रक लीटर होता है तो लीटर के लिए हम एल ई टी आर ई यूज करते हैं, और कई जगह हमारे पास एल ई टी ई आर भी यूज करते हैं, तो वहाँ पर दोनों ही सही माने जाते हैं। तो अब हमारे पास लीटर के लिए हम स्मॉल एल का यूज नहीं करते हैं, बल्कि कई जगह कैपिटल एल का उपयोग करते हैं, जबकि कैपिटल लेटर्स का जो यूज होता है यूनिट के लिए वो किसी नेम के लिए होता है। जैसे न्यूटन की बात करें तो न्यूटन एक नेम है, लीटर जो है वो नेम नहीं है, लेकिन कई देशों में लीटर के लिए कैपिटल एल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जहाँ पर इंग्लिश का उपयोग होता है वहाँ पर एल जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, और एल जो है वो आपके काउंटिंग नंबर वन की तरह भी बन जाता है, और इंग्लिश के वर्ड आई की तरह भी बन जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जहाँ पर इंग्लिश का उपयोग होता है वहाँ पर अपवाद के रूप में लेटर को स्मॉल एल से नहीं बल्कि कैपिटल एल से व्यक्त किया जाता है, और वो मान्य है। बाकी अन्य देशों में स्मॉल एल को ही उपयोग में लिया जाता है लेटर के लिए। तो आपको बताया कि लेटर जो कि इस प्रकार से लिखा जाएगा तथा मीटर इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन कई जगह पर लेटर को एल आई टी ई आर के द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा मीटर को एम ई टी ई आर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और दोनों ही तरीके मान्य हैं, किसी भी प्रकार से आप इनको यूज कर सकते हैं, दोनों आपके लागू हैं। तो अभी आपको बताया कि कई जगह पर एम्पियर यूज किया जाता है लघु रूप में, और कई पर इसका बहुवचन भी यूज किया जाता है एम्पियर्स में, ठीक है ना।
तो ये कुछ थे जो कि एसआई पद्धति से रिलेटेड टॉपिक थे। और जो समितियां बनी हुई हैं, एसआई जो पद्धति है वो स्थायी पद्धति नहीं है, करेक्शन इसमें होते रहते हैं और समितियों के द्वारा इसमें करेक्शन किए भी जाते हैं। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि एसआई पद्धति में जो बड़े मान और छोटे मान थे जिनको सरल करने के लिए कुछ उपसर्गों का उपयोग किया गया था, उन्हें बोला क्या जाता है, और उसकी पूरी टेबल अब आपके सामने है। वो क्या होगी देख लेते हैं उस टेबल को भी। तो अब हमारे पास जहां एसआई पद्धति में बहुत बड़ी संख्या और बहुत छोटे मात्रों को व्यक्त करने के लिए या उसको सरल बनाने के लिए कुछ उपसर्गों का उपयोग किया जाता है, और वो उपसर्ग हमारे सामने हैं। यहां पर हमारे पास डेका जो होता है, वहां पर डेका का जो चिन्ह होता है वो दर्शाया जाता है डेका को किसे, डी ए से, डेका डी ए, हेक्टो उसको दर्शाएंगे एच से, किलो को स्मॉल के से, मेगा कैपिटल एम, गीगा कैपिटल जी, टेरा कैपिटल टी, पेटा पी, एक्जा ई और जीटा जेड, योटा वाई, ये हमारे पास इनके चिन्ह हो जाते हैं। डेका का जो मतलब होता है यानी 10^1 जहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं डेका, ठीक है ना। जहाँ पर भी 10^1 लिखा हुआ है वहाँ 10^1 को हम हटा देंगे और उसकी जगह जो उपसर्ग होगा वो क्या यूज कर लेंगे, डेका। हेक्टो यानी 10^2, हेक्टो 10^3 को हम यूज करेंगे किलो, 10^6 मेगा, 10^9 गीगा, 10^12 टेरा, पेटा 10^15 एक्जा 10^18 जीटा 10^21 और योटा 10^24। तो ये हमारे पास पावर्स हैं और उन पावर्स के लिए हम इन उपसर्ग का उपयोग करते हैं, यानी 10^21 की जगह हम जेड यूज कर सकते हैं कैपिटल्स में। इसी प्रकार से डेसी की यदि हम बात करें तो डेसी का जो सिंबल होगा वो होगा हमारे पास डी, सेंटी का सी, मिली का स्मॉल एम, माइक्रो म्यो, इस प्रकार से नैनो के लिए स्मॉल एन, पिको के लिए हमारे पास स्मॉल पी, फेमटो के लिए स्मॉल एफ, एटो के लिए हमारे पास में आ जाएगा ए, जेटो के लिए हमारे पास में आ जाएगा स्मॉल जेड और योक्टो के लिए हमारे पास में आ जाएगा स्मॉल वाई। तो डेसी का मतलब हमारे पास में होता है 10^-1, यानी ये हमारे पास पॉजिटिव में जो पावर हैं वो ही हमारे पास नेगेटिव में होंगी, यानी 10^-2, 10^-3, 10^-6, -9, -12, -15, -18, -21 और -24, यानी 10^-1 को डेसी, 10^-2 को सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेमटो, -18 एटो, -21 जेप्टो, -24 योक्टो। तो ये हो गए हमारे पास बड़े मात्रक और छोटे मात्रकों को हल करने के लिए कुछ उपसर्गों का उपयोग, जो कि टेबल आपके सामने, इसको आपको लर्न करना है और याद रखना है कि 10^3 को क्या बोला जाता है और उसकी जगह क्या सिंबल यूज होगा। तो 10^3 के लिए स्मॉल के, 10^15 हो तो वहाँ पर आपके पास पेटा, 10^-9 नैनो, 10^-3 मिली। जैसे मान लीजिए कि अब हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू है, आप एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास यदि इस सेंटीमीटर को हटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर है 100 सेंटीमीटर। तो यदि मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो हमारे पास 100 तो ऐसे कैसे रहेगा, और सी का मतलब है सेंटी और सेंटी की जगह यूज कर सकते हैं 10^-2, यानी 10^-2। तो अब हमारे पास 10^-2 मीटर में हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 10^0 मीटर, और 10^0 की वैल्यू होती है 1 मीटर। तो इस प्रकार से सेंटी का उपयोग हम 10^-2 लगाकर कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई वैल्यू इस प्रकार से दी गई है, सपोज कीजिए 5 माइक्रोमीटर, तो अब आप यहाँ पर जो वैल्यू है इसका मतलब ये है 5 × माइक्रो की जगह यूज होता है 10^-6 मीटर। तो इस प्रकार से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है 0.005, जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास, मैं इसको लिख सकता हूँ 5/1000, क्योंकि पॉइंट के बाद में हमारे पास तीन डिजिट हैं। यहाँ पर हमारे पास 1000 को ले जाएंगे हम ऊपर की ओर, तो हमारे पास में आ जाएगा 10^-3। और यहाँ पर मान लीजिए मीटर है, यहाँ पर भी आपके पास मीटर है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मीटर। यहाँ पर देखिए 10^-3 जो है, तो उस 10^-3 की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, स्मॉल m। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास में प्राप्त होगी वो हो जाएगी 5 10^-3 का मतलब हो गया स्मॉल m, और यहाँ पर हो गया m, यानी 5 मिलीमीटर। इस प्रकार से यूज करेंगे इस टेबल का। यहाँ तक हमारे काम हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे SI के द्वारा व्युत्पन्न मात्रक बनाना तथा SI की भौतिक राशियों के बारे में बेसिक जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।